और पिछले सदी में इसलिए हमने वह लुप्त मेले सानी को कह लिया। चलिए आज हम बात करते हैं एंट्स के बारे में। एंट्स के बारे में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब एंट्स चलती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आखिर ये एंट्स स्ट्रेट लाइन में क्यों चलती है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये घर है एंट्स का, यहां पे वो रहती है। फिर जब उनको खाने की जरूरत होती है या किसी और चीज की जरूरत होती है, फिर वो यहां से बाहर निकलती है और खाने की तलाश में जाती है। मान लीजिए जब पहली एंट निकली वो यहां से यहां तक पहुंच गई खाने की तलाश में, लेकिन जब वो यहां पहुंचती है वो अपने पीछे एक केमिकल छोड़ती है। जी हां, एक केमिकल। एंट्स जब भी कहीं जाती है वो अपने पीछे एक केमिकल छोड़ती है, एक सुराख छोड़ती है। उस केमिकल का नाम है फेरोमोन। जी हां, वो केमिकल फेरोमोन है। तो जब ये एंट घर से निकली, पीछे इसने फेरोमोन छोड़ा, एक निशान छोड़ा। उसके बाद जब दूसरी निकलती है वो इसी फेरोमोन को सूंघते हुए इसी रास्ते से जाती है। फिर जब तीसरी निकलती है वो भी इसी रास्ते से जाती है इस केमिकल को सूंघते हुए। तो जो भी एंट्स निकलती है वो इसी लाइन में जाती है। क्यों? क्योंकि वो इस केमिकल को सूंघती है। ये केमिकल स्ट्रेट लाइन में होता है इसलिए वो भी स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो जो एंट्स है वो स्ट्रेट लाइन में किसकी वजह से चलती है? इस केमिकल की वजह से। क्योंकि पहली वाली एंट ने एक केमिकल छोड़ा होता है, फिर बाकी जो एंट्स होते हैं वो उस लाइन को फॉलो करती है, उसको सूंघते हुए जाती है। इसीलिए एंट्स स्ट्रेट लाइन में चलती है।